तरह रोल करेंगे। आपको आवाज आ रही है कितने क्रिस्पी है ये बना हुआ? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज आपके लिए कुछ लेफ्ट ओवर की रेसिपी है, कुछ नई बनाने वाली हूँ। तो जो नई बनाने वाली हूँ उसमें मेरे पास चिकन है और मेन इंग्रेडिएंट्स उसका चिकन होगा और ब्रेड होगी, तो चिकन ब्रेड रोल बनाने जा रहे हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट। पैन ले लिया है, उसको स्टोव पे रखा है। एक टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें। अब इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ। चॉप लहसुन मैंने एक टेबल स्पून इसमें डाला है। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे और इसको दो तीन मिनट तक आप इसको ऐसे फ्राई कर लें। देखें आपके चिकन का कलर चेंज हो रहा है। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी जिसमें ये टेंडर हो जाए, जिसको ताकि मैं रेशे कर सकूँ बाद में, और इसको कवर कर दूँगी। ये चिकन टेंडर हो गई है, अब मैं इसका पानी ड्राई कर रही हूँ और इसमें एक कनौर की क्यूब है वो डाल रही हूँ। आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है, और इसका बहुत अच्छा चिकन का फ्लेवर एक्चुअली इसमें बहुत अच्छा आ जाता है जब आप चिकन का कोई भी फ्लेवर डालते हैं, चिकन कनौर की क्यूब, चिकन पाउडर डालते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है चिकन के अंदर। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ इटालियनो है मेरे पास 1 टीस्पून, और इसमें डालूँ तो बस अब पानी को ड्राई करेंगे और चिकन को श्रेड करेंगे। चिकन हो गया रेडी। इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी जा रही है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून जीरा है पास इसका। तो जल्दी से भून लेंगे। चलिए ये हो गया हमारा रेडी चिकन। अब हमने क्या करना है, इसको श्रेड करना है, लेकिन इसके साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ी सी शिमला मिर्च और ये हरी प्याज है मेरे पास थोड़ी सी, ये साइड पे डाल रही हूँ। इसमें भी थोड़ा सा मसाला आ जाए। और स्टोव को अब मैं ऑफ कर दूँगी और चिकन को श्रेड करती हूँ। तो चिकन को मैं इसी में श्रेड कर रही हूँ, बहुत सॉफ्ट सी है, देखें आराम से हो रही है, गर्म है अभी और इतनी ज़्यादा भी नहीं है, तो मैंने कहा मैं पैन में ही कर लेती हूँ। आप इस तरह चिकन को श्रेड कर लें सबसे पहले। चलें चिकन हमारा हो गया श्रेड, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैंने एक अंडा लिया है और थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं और इस अंडे में मैं थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, बिल्कुल 1 टेबल स्पून के करीब। और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। हमने लिया है थोड़ा 2 टेबल स्पून के करीब आटा और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्सर तैयार कर लेंगे बाइंडिंग के लिए, रोल को ग्लू करने के लिए। कोई सा भी आटा ले लें, मैंने रेगुलर लिया है। आपने जो अंडा मिक्स करके रखा है उसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ी सी ब्लैक पेपर है उसमें जा रही, आप चाहें तो इसके कॉर्नर्स उतार सकते हैं, मैं तो नहीं उतार रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो उतार सकते हैं इसके कॉर्नर्स। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है प्लेन वाटर, आपने उसमें ब्रश कर डिप किया और हल्का सा पानी आपने ब्रेड पे लगा दिया, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है आपने, हल्का सा पानी आपने लगाया ब्रेड पे। अब मैं इसमें अपना ये चिकन का मिक्सचर जो बनाया हुआ है वो डालूंगी। और इसे इस तरह रोल करेंगे और इसके साथ ही मैं इस पे ये लगा दूंगी जो मैंने बनाया हुआ है, इसका सील करने के लिए आटा और पानी, इसको हल्का हल्का लगाएंगे चारों तरफ। इनको इस तरह सील कर देंगे।
अगर आपको ये अच्छे नहीं लग रहे तो आप उतार दें, मैं भी एक उतार के भी दिखा दूंगी आपको कैसे बनाना है। तो इस तरह आपने इनको सील किया, सील करने के बाद आपने इसमें अंडे में डिप किया आपने इसे, अंडे में डिप करने के बाद आपने ब्रेड क्रम्ब लगाए, और आपका रोल रेडी है। चलें, अगर आपको काट के बनाना है ब्रेड को तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आपने स्लाइसेस काट लिए, और इन्हें ज़ाया नहीं कीजिएगा जो आपकी कटिंग है, इन्हें आप बर्ड्स को खिला सकते हैं या फिर आप फूड का वो जो ये बनाते हैं क्रम्स वो बना सकते हैं आप। ये निकाल दिया है आपने, सेम वे आपने इन्हें रोल करना है। इससे ये है कि ज़रा बहुत क्लीन सा आपको लगेगा, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने क्या किया, वाटर लिया वो चारों तरफ लगा दिया इसके ब्रेड पे, इसके बाद आपने फिलिंग ली, फिलिंग लेके इसमें डाली, बहुत ज़्यादा फिलिंग डलती नहीं है, और आपने इसे इस तरह करके फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पे इसका वो लगेगा आटा जो इसकी सीलिंग के लिए बनाया गया है, और आप इसे यूं फील कर लें। और इस तरफ से भी इसी तरह सील कर लेंगे आप इसे। तो ये देखें आपका बिल्कुल, इसका साइज देखें और इसका साइज देखें। चलें, आपने सेम चीज की इसमें, इसको डिप किया अंडे में, अंडे में डिप करने के बाद आपने ब्रेड क्रम्स लगाए, और ये आपका रेडी हो गया। मेरे पास बर्गर ब्रेड थे, बंस थे जो के उसका मैं कर रही हूँ, मैंने एक को स्लाइस कर लिया, रोल आउट कर लिया, दूसरे को भी कर रही हूँ रोल। तो आप देखें कि ये भी इस तरह रोल कर लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी मिक्सचर डालेंगे, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें चिकन डाल रही हूँ, और साथ ही मेरे पास लेफ्ट ओवर जो आलू का हमने बनाया था कल केसडिया, उसके आलू और मटर बचे में वो डाल रही हूँ इसमें। अब मैंने क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेके चारों तरफ लगाऊंगी, और ये मैं जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है सीलिंग के लिए उसको भी लगाऊंगी चारों तरफ, मैंने ये ब्रेड ली दूसरी ऊपर जो इसके लगाने वाली हूँ उस पर भी पानी लगाया मैंने, और इसे मैंने इस तरह दबा दिया। आप देखेंगे ये बहुत अच्छी तरह से जुड़ गया है। अब आपने वही करना है, आपने इस पे अंडा लगाना है चारों तरफ, अंडा लगाने के बाद आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, इस तरह से आपके ये तीन डिफरेंट तरह के रोल्स तैयार हो गए। आपको जो पसंद आ रहा है आप उस तरीके के बना सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले तो ये छोटा बेबी जा रहा है इसमें, और अब ये जा रहा है, तो
बस इनको ब्राउन करेंगे, एक ही दफ़ा इनको पलटेंगे क्योंकि अंदर से तो सब कुछ कुक किया हुआ है, ब्रेड भी कुक है आपकी, मसाला भी आपका बना हुआ है। और बस ये आपके खूबसूरत से मज़ेदार से रोल्स रेडी हैं। आप इसमें चीज़ का एडिशन भी कर सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं आप इसमें। आपको आवाज आ रही है कितने क्रिस्पी है ये बना हुआ। चलें आप देखें इसको कि कितना अच्छा मजेदार सा लग रहा है, बिल्कुल कचौरी लग रही है, जैसे कचौरी आप बनाते हैं ना, कचौरी भी बनाने वाली हूँ आपके लिए, वो लग रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं जल्दी से खा लूं, पर नहीं खा सकती हूँ, उजैर भी नहीं खा सकता है क्योंकि रोजा है। आप जाके रेसिपी को प्लीज ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।